हाई प्रमान गुड आफ्टर वेलकम टू अन अकेडमी बच्चों कैसे है सब बच्चे आवाज आ रही है यस प्लीज टेल मी बिटाव कैन यू हेयर मी प्रॉपरलीस गुड आफ्टरनून गाइज गुड आफ्टरनून आई नो बेटा आपको ये क्लास नहीं दिख रही थी आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर पाए देर वॉज अ ग्लिच गोइंग ऑन बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम क्लास कहाँ क्लास कहाँ क्लास बेटा लग चुकी थी कल की लग चुकी थी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी छोटा सा बेटा कोई ग्लिच था जिसकी वजह से लाइव नहीं दिख रही थी बट हाँ कोई बात नहीं अब हम लाइव आ गए हैं जिसको पता है कि यार क्या टाइम है वो पहुंच ही जाएगा है ना बच्चा दैट पर्सन वुड डेफिनेटली रीच ओवर हेयर ठीक चलो आ जाओ भाई यस कम ऑन बच्चो कम ऑन अच्छा आज हम मोस्ट अवेटेड चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज के चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर फर्स्ट यूनिट में आता है फर्स्ट यूनिट इज डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम ये सब चीजें आती है अब ये सबसे ज्यादा बच्चे करना चाहते हैं आई नो आई नो तो बेटा शुरू करेंगे पहले मैं ना डिस्क्लेमर दे देती हूँ इस चैप्टर का डिस्क्लेमर ये है कि इसमें भैया याद बहुत करना पड़ता है ठीक है थोड़ा कॉन्सेप्ट कम लगता है लगता है हम कोशिश करेंगे यार इसको बेस्ट वे में याद करने की

कि आप क्लास के अंदर इस चीज को लर्न करके जाएंगे क्लास के तुरंत बाद बेटा आप इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे लंच करके पढ़ लेना चलो थोड़े गैप पे पढ़ लेना लेकिन आप जितना मैं आज कराऊंगी वो आज आपको हंड्रेड परसेंट एग्जाम्पल्स के साथ मगल अप लर्न वर्न सब हो जाना चाहिए क्या सब इस चीज का बेटा प्रौ, 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 क्या कहते हैं प्रॉमिस करते, करते हैं कि नहीं करते प्रॉमिस प्रौ, प्रौ, यस ये बड़ी नीचे हो गई यार है ना एक मिनट मैं देते हैं यस एक्साइटेड दिसंबर प्लान दिसंबर आने पे देंगे अभी दिसंबर है पहले आज का प्लान सुन लो आज का प्लान ये है कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है एक चीज बेटा आप और नोट कर रहे होंगे यू मस्ट बी नोटिसिंग वन थिंग जिन्होंने पता नहीं ध्यान दिया है नहीं दिया है जिन्होंने नहीं ध्यान दिया है उनका ध्यान मैं इस जगह पर लेकर आऊं देर इज समथिंग पिन ओवर हेयर कुछ बेटा यहाँ पर पिन हुआ हुआ है आप जानते हैं हमारी इतनी सक्सेसफुल सीरीज थी जिसका नाम है नीट की जंग है ना जिसमें अमेजिंग रिजल्ट्स आए फर्स्ट टू जो क्विजेस थे उसमें बेटा बच्चों को अमेजोन वाउचर्स से मिले नेक्स्ट के जो थ्री क्विजेस थे उससे बच्चों ने बहुत सारे नॉलेज गेन की अपने आप को टेस्ट किया ठीक है जी अब यार नीट की जंग जैसे वो नहीं होता फ्रेंड सीजन टू रहा है हाउस सीजन टू आ रहा है द क्राउन सीजन टू रहा है वैसे बेटा इसका भी सीजन टू आ रहा है और ज्यादा वेट नहीं करना है। ज्यादा वेट नहीं करना सीजन टू आ रहा है कल यानी कि थर्टीथ ऑफ नवंबर को ठीक है क्लास का लिंक मैंने पिन करा दिया क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है ठीक है पिन भी हो चुका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है सब बच्चे जाके फ्री क्लास है बिल्कुल टेस्ट होंगे मॉक टेस्ट होंगे बेटा अब मैंने रुकना नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगी ठीक है लगातार हम मॉक टेस्ट की हेल्प से तुम्हारी जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है इसको करते जाएंगे तो आप आप सबने सबने क्या करना है आप सबने जाना है जाना और इस क्लास बेटा कर लेना है एनरोल ठीक है फटाफट से जाओ और एनरोल करके आ जाओ क्लिक करो एनरोल पे आ जाओ नोटिफिकेशन आएगा और कल बेटा इस सीजन थ्री के पता कितने एपिसोड आ रहे हैं कल इस सीजन थ्री के तीन एपिसोड आएंगे एक एपिसोड तो मैंने तुम्हें यहाँ पे रिलीज कर दिया है बाकी के जो दो एपिसोड्स हैं ओ, एपिसोड यानी कि क्लास यार समझो बाकी के जो दो क्लासेस हैं वो मैं आपको लिंक टेलीग्राम पे शेयर करूंगी बट इस क्लास में 11 तो बजे कर लेंगे 7 बजे 9 बजे इवनिंग में रखेंगे ठीक है क्लासेस हम इवनिंग में रखेंगे तो बाकी की क्लासेस का लिंक आएगा टेलीग्राम पर अभी, -अभी इसमें एनरोल कर लो फुल सिलेबस नहीं तो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना सिलेबस चेंज करना हो तो सिलेबस वी यूल डिसाइड बट अभी तक तो मैंने फुल ही रखा है फिजियो हो गई रिप्रोडक्शन हो गया आ, अपना बायोटेक हो गया तो तुम कहते हो तो जेनेटिक्स भी कर लेंगे <coughs> ठीक है जेनेटिक्स भी कर सकते हैं यस yes, चलो वो डिसाइड कर लेंगे चलो रेडी रेडी फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एवरी एवरीवन एक बार इस सेशन को लाइक करके बता दो कम ऑन गाइस फास्टली लाइक द सेशन एंड टेल मी और सीजन टू में एनरोल कर लो सीजन टू में एनरोल कर लो बता दो फटाफट फट से लाइक करके एनरोल कर लिया है तभी हम आगे बढ़े तभी बेटा हम आगे बढ़ेंगे सीजन टू में एनरोल प्री क्लास है बेटा सब बच्चों के लिए कोई सब्सक्रिप्शन इसके लिए नहीं चाहिए आपको नीट की जंग के लिए यस yes, बेटा लाइक द सेशन एंड टेल मी करें शुरू बेटा अच्छा तो चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैं इस चैप्टर को तोड़ के बताऊं कि क्या होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर तुम अलग अलग कैटेगरी में डाल दोगे तो यार वो हो जाएगी क्लासिफिकेशन जैसे मैं तुम्हारी क्लास में क्लासिफाई कर दू ये दस बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है इनको स्कॉलर में डाल दो ये दस बच्चे ठीक ठाक से है इनको बिलो एवरेज में डाल दो ये ठीक ये कुछ दस बच्चे ऐसे जो बड़ा अच्छा काम करे एवरेज में डाल दो और कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे हैं कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल निकम में इनको नलायकों में डाल दो तो ये हो गए ना यार तुम्हारी क्लास के क्लासिफिकेशन ऐसे ही बेटा पुराने जमाने में पुराने जमाने की बात है साइंटिस्ट ने कोशिश की यार इतने सारे जीव जंतु हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको कैटेगराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अलग अलग साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा कि हाँ इससे हमें खाना मिलता है इसको खाने वाली कैटेगरी में डाल दो इससे हमें कपड़े मिलते हैं इसको कपड़े वाली कैटेगरी में डाल दो इससे बेटा मकान बना सकते हैं शेल्टर मिलता है इससे इसको शेल्टर वाली कैटेगरी में डाल दो तो यार सबसे पहला पार्ट हम इसमें क्या करेंगे हम क्लासीफाई करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरी समझेंगे कि यार इसने कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया इसने कितने ग्रुप्स में किया ये क्यों फेल हुआ फिर अगला वाला क्यों आया पहला पोर्शन ये रहेगा इस चैप्टर का फिर हम उसमें से बेस्ट सिस्टम चूज कर लेंगे कि भैया तू बेस्ट है तूने जो पांच क्लासिफाई किया हम वही पढ़ेंगे और फिर बेटा वन वन बाय करके हम क्लासिफिकेशन तो तो क्लासिफाई कि कैसे किया ठीक है क्लासिफाई कैसे किया रेडी है सबसे अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन के बेस पे बताऊंगी तो सबसे पहले बेटा जी आता है क्लासिफिकेशन बेटा जो नोट्स हैं नोट्स आपको मेरे साथ बनाने हैं ठीक है नोट्स आपको मेरे साथ साथ बनाने हैं अगर मैं लिख रही हूं हर क्लास में तो मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि तुम भी लिखोगे हर क्लास में अगर मैं बोल रही हूं डेढ़ घंटा खड़ी हूं एक क्लास में तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ बेटा तुम भी डेढ़ घंटे तक चू ना करोगे की हाँ क्लास बंद कर दो बेटा क्लास लंबी होगी सिलेबस ज्यादा है हमने कम टाइम में इसको पूरा करना है तो कोई भी बच्चा आज रोएगा नहीं मैम इतनी इतनी देर इतना ये कुछ भी हो ठीक है यू हैव टू बियर विद मी बिकॉज इफ यू यूट टू स्टडी बायोलॉजी इफ यू टू कवर देन बेटा आपको अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी ठीक है अब आधा घंटा पौना घंटा पढ़ के बात नहीं बनेगी अब थोड़े से लंबे सेशन होंगे प्रोडक्टिव सेशन होंगे टू द पॉइंट सेशन होंगे चलो क्लासिफिकेशन करते हैं अब बेटा सबसे अर्लीस्ट सबसे पुरानी यस yes.

क्लासिफिकेशन ठीक है अब तक किसी ने साइंस नहीं लगाई थी अब बेटा फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने करी एरिस्टोटल ने करी फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल ने करी इन्होंने कहा कि यार मैं दो ग्रुप में प्लांट और एनिमल को डिवाइड कर देता हूं इन्होंने बेटा क्लासिफाई कर दिए एक तो प्लांट बना दिया ग्रुप और दूसरा क्या बना दिया एनिमल बना दिया ठीक है इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों को क्लासिफाई कर दिया प्लांट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट जो चुटंकु, चुटंकु से थे हर्ब्स श्रब्स ट्रीज ऐसे कर दिए बेटा प्लांट को एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट इनटू हर्ब्स श्रब्स एंड बड़े बड़े पेड़ यानी कि ट्रीज ठीक है जी एनिमल को एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस कि किसका खून लाल है किसका खून लाल नहीं है ना तो यानि कि लाल रंग किस वजह से आता है खून में लाल रंग आता है आरबीसी की वजह से फिर तो इन्होंने क्लासिफाई किया कि भैया किसका खून लाल रंग का है और किसका खून लाल रंग का नहीं है तो दो कैटेगरी में एनिमल्स आ गए एक कैटेगरी को बोला एनेमा क्या बोला बेटा ए एनेमा और दूसरे को बोला इनेमा ठीक है एनेमा अब कौन है जिसके पास आरबीसी नहीं है जिसके पास बेटा आरबीसी नहीं है अब भैया आरबीसी नहीं है तो इसका खून लाल कैसे होगा है ना तो ब्लड जो है इसका रेड नहीं है नॉट रेड ठीक है जी और इनिमा क्या होता है जिसके पास आरबीसी है आरबीसी है यानी कि उसका जो ब्लड है वो कैसा है

ठीक है इसने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया प्लांट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट हर्ब्स हर्ब ट्रीज एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस कि इसका खून लाल है या फिर नहीं है यानी कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी ए नेमा एंड ई नेमा याद डन यहीं के यहीं बेटा याद करके जाएंगे कोई इसको घर नहीं लेके जाएगा यहीं के यहीं हर स्लाइड हम साथ साथ लर्न करते हुए जाएंगे पक्का करते हुए जाएंगे ये चैप्टर अब हमारा टफ चैप्टर नहीं रहेगा ये चैप्टर हमारा आसान चैप्टर हो जाएगा ठीक है जी चलो इसके बाद बेटा शुरुआत शुरुआत करनी थी किसने कर दी एरिस्टोटल ने कर दी साइंस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने कर दी एरिस्टोटल अब तो बेटा लड़ी लग गई बहुत साइंटिस्ट आए कुछ ने बेटा टू किंगडम थ्री किंगडम फोर किंगडम फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम तक बेटा क्लासिफिकेशन होनी शुरू हो गई तो अब बेटा जो झड़ी लग गई उस झड़ी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तुम्हारे पास आता है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है टू किंगडम सिस्टम वन बाय वन बेटा सब लिखते जाएंगे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया भैया कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस. ठीक है जी नाम याद रखेंगे इन्होंने कौन से दो किंगडम बेटा ऐड किए इन्होंने ऐड किया एक तो एनिमल और बेटा प्लांट

ठीक है किसने दिया अर्नेस्ट हैकल ये नाम बेटा अपने आप में याद करने बड़े जरूरी हैं अर्नेस्ट हैकल ने ऊपर से प्लांट और एनिमल तो चलते आ ही रहे थे तो एनिमल आया एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम इन्होंने बेटा एक और ऐड कर दिया कौन सा ऐड किया इन्होंने बच्चों ऐड कर दिया अपना प्रोटिस्टा क्या ऐड किया प्रोटिस्टा तो यार सवाल आ जाता है कि प्रोटिस्टा शब्द सबसे पहले कौन लेके आया सबसे सबसे पहले पहले किसने यूज़ किया? तो तुम बोलोगे शब्द सबसे पहले कौन कौन लेकर लेकर आया? अर्नेस्ट हाकल जी ले आए याद करो एनिमल कर तो कि मैंने मान लिया लेकिन मैं सारे यूनिसेलर को एक ही कैटेगरी में डाल दूंगा डाल दूंगा ठीक है जी चलो आगे चलते हैं बच्चों आगे चलते हैं फोर किंगडम सिस्टम कौन सा आया फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया ठीक है जी ये किसने दिया नाम याद रखो बंदे का ये दिया बेटा कोपलैंड भैया तीन तो सेम रहेंगे तीन तो सेम रहेंगे एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम ये चलता हुआ आ रहा है कहां से चलता हुआ आ रहा है लीनियर से चलता हुआ आ रहा है देन प्रोटेस्टा भी दे दिया था हैकल ने इसने क्या ऐड किया

यहां पर क्या डाल दी यूनिसेलर प्रो डाल दिए ये मेरा शॉर्ट फॉर्म समझना यू एंड प्रो की शॉर्ट फॉर्म है यू के, यानि प्रो के यानि पी आर ठीक है यानी कि चार चार किंगडम हो गए भैया के बाद आता है अपना फाइव किंगडम सिस्टम क्या आता है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा गिवन बाय आर एच विटाकर किसने दिया बेटा जी आर एच विटाकर ने दिया चार तो अपने सेम रहेंगे लिख लो चार जो सेम रहेंगे एक तो भैया अपने पास एनिमल है एक कौन है बेटा जी अपने पास एनिमल है देन बेटा अपने पास प्लांट है देन प्रोटेस्ट है तुम बताओ यार क्या ऐड किया होगा इन्होंने देन मोनेरा है बेटा क्या ऐड किया होगा इन्होंने इन्होंने ऐड किया बेटा पांचवा किंगडम जिसका नाम है फंजाई इसने बोला कि मैं सारे को किस में डाल रहा हूं फंजाई में डाल रहा हूं अलग से टू थ्री फोर वाइडली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेंस यस मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इज नाइव किंगडम कौन सा है बच्चों फाइव किंगडम इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ठीक है क्या रुक गए साइंटिस्ट यहां पे रोक दे कि भाई ये टू आ गया टू के बाद थ्री आ गया फोर आ गया फाइव आ गया नहीं बेटा रोक नहीं सकते इसके बाद सिक्स किंगडम भी आया ये yes, इसका डिटेल थोड़ी देर बाद में करेंगे बट यहां मेंशन कर लेते हैं कि इसके बाद बेटा किंगडम भी आया ठीक है किंगडम वाला सिस्टम भी आया कौन लेके आया कालूज बाय कॉलवूज ठीक है इसने क्या किया तीन डोमेन बना दिए मैं अभी लिखूंगी बाद में थ्री डोमेन्स में बेटा सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया

ये स्लाइड भी लर्न कर लो फटाफट लर्न कर लो यस 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 बच्चों लर्न लर्न साथ साथ लर्न करोगे तो बात बनेगी लर्न सब बच्चे लर्न टू किंगडम लीनियस प्लांट एनिमल थ्री किंगडम अर्नेस्ट हाकल एड प्रोटेस्टा फोर किंगडम कोपलैंड एड मोनेरा मतलब पहले प्रोटेस्ट एड हुआ फिर मोनेरा एड हुआ फाइव किंगडम में अपना फंजाई एड हो गया डन हो गया ठीक है

ये सारे क्लासेस बेटा जी मैं ऐड कर दूंगी कहां पर लिंक ट्री पे ठीक है एवरीथिंग इज एडेड ओवर देयर ये लिंक ट्री है बेटा लिंक पे डालना डालना तो नहीं डालना। ये मिल जाएगा इलेवेंथ वाले पोर्शन में इसको मैं ऐड कर दूंगी तो वहां से तुम इसकी यू नो लिंक भी ले सकते हो पीडीएफ भी वहां पर ऐड कर दूंगी तो टेंशन नहीं सब कुछ तुम्हें मिलेगा रिलैक्स करके आराम से पढ़ाई करनी है हां जी आ जाते हैं बेटा सबसे पहले टू किंगडम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भाई ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है अब मैं नाम दोबारा नहीं लिख रही हूं किसने दिया है कैरलस लिनियस ने दिया इसने बेटा किस में डिवाइड कर दिया था इसने बेटा सारे जीव जंतुओं को सारे जीव जंतुओं को किस में डाल दिया एक ग्रुप बना दिया प्लांटे का एक ग्रुप बना दिया भैया एनिमेलिया का अब तुम देख रहे हो उसने कितनी भसड़ मचाई होगी अभी मैं तुमको इसकी भसड़ दिखाती हूँ

एलगी तीनों तरीके की एलगी रेड एलगी ग्रीन एलगी ब्राउन एलगी टेरिडोफाइट। अब तुम्हें सच्चाई पता है कि इसने क्या किया था जिम्नोस्पॉम्स जिम्नोस्पॉम्स एंड एंजियोस्पर्म्स ठीक है ये सब इसने प्लांट में डाल दिए भैया सब प्लांट में डाल दिए अब तुम्हें पता है यार बैक्टीरिया कैसा है साथ साथ बताते जाओ अब तुम्हें पता है क्या बताना बेटा जो जो मैं पूछते जाऊंगे ना उसके बारे में बताना है यूनिसेलर यू के प्रोरेट या मल्टी सेलर यू केल्टीसेलर प्रोक्रेट ऐसे करके बताते जाना है ठीक है तब तुम्हें इसकी भसड़ पता चलेगी कि इसने कितना भसड़ मचाया हां जी बैक्टीरिया में बताओ बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया यूनि है और प्रो है ठीक है जी यूनिसेलर प्रोकेट है अब तुम्हें पता है यार तुम लोग ने ट्वेंटी में पेपर देना है ये पता होना चाहिए गलती नहीं करनी

बेटा एलगी यूनि भी हो सकता है मल्टी भी हो सकता है लेकिन यू के रेट है ये सारे क्या है मल्टी सेल्युलर है और यू के रेट है तुम भसड़ देखो सारे मल्टी और यूनि एक साथ सारे प्रो और यू के एक साथ बहुत बेटा बहुत गड़बड़ मचाई थी इसने बहुत गड़बड़ चलो कोई बात नहीं एनिमिलिया में देखते इसने किस, -किस को एड किया बेटा इसने एनिमिलिया में अमीबा को एड कर दिया ठीक है पैरामीशियम को एड कर दिया इनवर्टिब्रेट सारे यहां पर आ गए इनवर्टिब्रेट यहां पर आ गए वर्टिब्रेट्स बेटा सारे यहां पर आ गए तो एनिमेलिया में भी जब हमने देखा तो यार यूनिसेलुलर यू के रिओ मल्टी सेलुलर यू के सब एक साथ चल रहा है सब एक साथ बेटा इस स्लाइड में से सवाल आ सकता है कि कैरलस कैरलियस ने फंजाई को किस में डाला था प्लांट में डाला था एनिमल में डाला था अमीबा को किस में डाला था तुम बोलोगे अमीबा को उसने एनिमेलिया में डाल दिया को उसने प्लांट किंगडम में डाल दिया तो ये याद करनी है याद करनी है याद करो और फटाफट से सेशन को बेटा लाइक करो तुम लोग बेटा आए हो लर्न कर रहे हो लेकिन सेशन को एनर्जी नहीं दे रहे हो तो फटाफट से बेटा जी लाइक कर दो यस कम ऑन कम ऑन लाइक इट कम ऑन फास्ट लाइक द सेशन आगे बढ़े अब इसकी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हैं हैं क्या है? बेटा हमने ना गौतम कह रहे हैं कि मैम जब ये गलत था तो हम पढ़ क्यों रहे हैं बेटा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एक ट्रेजेक्ट्री पढ़नी होती है हमें एक ट्रांजिशन पढ़ना होता है कि शुरुआत कहां से हुई बेटा डिस्कवरी ना अचानक से सही चीज की नहीं हो जाती क्या तुम आज तक अपना परफेक्ट टाइम टेबल बना पाए बताओ हैव यू एवर बीन एबल टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल नहीं पहले सुबह सात बजे उठने की कोशिश करते हैं अरे नहीं उठा जा रहा गलत हो गया बजे उठने की कोशिश कर है अरे नहीं दिन निकल जा रहा है फिर बजे उठने की कोशिश कर रहे अरे नहीं अब सही बैठेगा तो यार धीरे धीरे करके हम सही चीज पे जाते हैं अचानक से कोई परफेक्ट पैदा नहीं होता है तो यार धीरे धीरे करके साइंटिस्ट आए पिछले वाले की चीजों को ठीक किया गया हां जी तो अब बेटा इसमें कर लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस बताओ क्या भसड़ मचाई थी डिसएडवांटेजेस ऑफ टू किंगडम सिस्टम सबसे पहला डिसएडवांटेज बताओ इसने गलती पता क्या कर दी सारे यूनि और मल्टी को एक साथ कर दिया यूनि सेल्युलर प्लेस्ड विद मल्टी सेल्युलर है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ठीक है नहीं थी यूनि सेल्युलर को मल्टी सेल्युलर के साथ डाल दिया देन सारे प्रो को यू प्रो और यू मिक्स चल रहे हैं दोनों में देख लो प्रो प्लेस्ड विद यू के ठीक है देन बेटा बड़े सारे ऑर्गेनिज्म कंट्रोवर्शियल थे पोजीशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म वाज कंट्रोवर्शियल ये मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा दूंगी बेटा पोजीशन ऑफ मेनी वर कंट्रोवर्शियल ठीक है कंट्रोवर्शियल कैसे थे भैया जैसे आपको फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आपको साथ में बताऊं मैं यहां पर युगलीना जैसे बेटा युगलीना को इन्होंने डाल दिया प्लांट किंगडम में मैं तुम्हें युगलीना की सच्चाई बताती हूँ ध्यान दो बेटा युगलीना की सच्चाई देखिए युगलीना के पास फ्लजिला है है भैया इसके पास इसके पास बच्चा नहीं होती है और युगलीना बेटा फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करती करती है है अब तुम जरा देखो प्लेजिला ना होना और सेल वॉल ना होना प्लेजिला होना और सेल वॉल ना होना ये कैसा फीचर है ये क्या एनिमल जैसा फीचर है प्लांट जैसा फीचर है तो तुम बोलोगे भैया ये तो एनिमल जैसा फीचर है क्या होता है एनिमल्स क्योंकि मोटाइल होते हैं और उसके पास बेटा सेल वॉल नहीं होती लेकिन फोटोसिंथेसिस करना किसका फीचर है प्लांट जैसा फीचर है भैया एक ऑर्गेनिज्म के पास एनिमल वाले फीचर भी हैं प्लांट वाले फीचर भी हैं तो जान के कैरलस लेमियस ने इसको प्लांट में क्यों डाला क्यों डाला कंट्रोवर्शियल हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चे मुझे में बताएंगे यस yes. इट के पास प्लांट फीचर भी है ऑर्गेनिज्म है, और है स्लाइम मोल्ड कौन है बचो? स्लाइम मोल्ड स्लाइम मोल्ड की जो शक्ल देखे वो बड़ी प्लांट जैसी है स्लाइम मोल्ड की जो अपीयरेंस है वो किसकी तरह प्लांट जैसी है और बेटा इसके पास सेल वॉल नहीं होती और बेटा ये हेटे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी कि ये कैरेक्टर इसका प्लांट जैसा है ये कैरेक्टर इसका एनिमल जैसा है तो भैया स्लाइम मोल्ड के पास भी कुछ फीचर प्लांट है कुछ फीचर एनिमल है तुमने क्यों डाला प्लांट में करी गड़बड़ करी गड़बड़ ठीक है और गड़बड़ की एग्जाम्पल दिखाती हूं मैं यहां पर क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास बेटा क्लेमाइडोमोनास को अगर तुम देखोगे फ्लैजिला होता है इसके पास इट हैज फ्लजिला फ्लैजेला होना बेटा एनिमल की प्रॉपर्टी होती है एंड इट आल्सो डस फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस भी करता है भैया ये ठीक है तो यार फ्लैजेला होना एक एनिमल की प्रॉपर्टी है फोटोसिंथेसिस करना प्लांट की प्रॉपर्टी है तुमने कैसे इसको प्लांट में डाल दिया है ना कैसे इसको प्लांट में डाल दिया तो यार ये कुछ ना डिसएडवांटेजेस थी कुछ क्या थी disadvantages थी, तो क्या समझ आ गया? यार को आगे नहीं चलने दे सकते थे क्योंकि इतनी थी प्रो को को के के साथ, को यूनी के साथ, और बेटा तीन मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी यहां पर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी पोजीशन कैसी है कंट्रोवर्शियल पोजीशन है चलिए तो मतलब हमें अगला किंगडम लाना ही लाना था लाना था ना है ना लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि कैरोलस लिन ने जो डिवाइड किया

याद करने वाले जैसे मान लो मैं अपनी क्लास में बताऊ कौन है ये बच्चे बेटा शॉर्ट फन फॉर यू इससे आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे है ये लिख के नीट क्रैक हो जाएगा जैसे अब मैं बताऊं जैसे मुझे तुम्हारी क्लास के कैरेक्टर बताने और नाजिया के बारे में बताना है बड़ी पढ़ने वाली बच्ची है शॉर्ट फन फॉर यू बिल्कुल आवारा बच्चे हैं कमरीन बेटा काफी स्टूडियस है पूजा बहुत अच्छा डांस करती है नैना बहुत अच्छा गाना गाती है तो ये फीचर्स है ठीक है फीचर्स यहाँ पर भी इस चैप्टर में फीचर्स से पढ़ने बच्चों ने फीचर्स से पढ़ने ये ऐसा है अच्छा लर्न कर लो ये ऐसा है लर्न कर लो ये ऐसा है लर्न कर लो तो फीचर्स फीचर्स ही कर कर रहे रहे हैं हैं बच्चों ठीक है फीचर फीचर right. <laughs> चलो तो यार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो टू किंगडम सिस्टम में इसने कैरल लिनियस ले, प्लांट और एनिमल के बेसिस प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया पहला बेसिस उसने लिया कि यार कौन मूव कर सकता है लोकोमोशन इसने बोला कि यार जो लोकोमोट करेगा वो एनिमल है जो मूव नहीं करेगा वो प्लांट है सीधा बिल्कुल सिंपल इसने बोला जो लोकोमोट करेगा वो एनिमल है जो लोगोमोट नहीं करेगा वो प्लांट है देन अगला उसने फीचर लिया सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू बेटा समझ जाना सेल वॉल मैं बोल रही हूं साथ में लिख नहीं रही हूँ तुम लिखना चाहो लिख सकते हो सी डब्ल्यू पी एम पता होना चाहिए जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी वो एनिमल है जिसके पास सेल वॉल होगी वो प्लांट है सिंपल सिंपल सा फंडा लगाया था उसने देन उसने अगला फीचर लिया फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इसने बोला भैया जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता वो एनिमल है जो फोटोसिंथेसिस करता है वो प्लांट है ठीक है जी सिंपल एक और बेटा उसने कैरेक्टर लिया दैट इज रिस्पांस टू स्टिमुलस रिस्पांस टू स्टिमुलस स्टिमुलस भैया कौन फास्टली रिस्पोंड करेगा सिंपल सी बात है भाई एनिमल फास्ट रिस्पोंड करेंगे जो प्लांट का रिस्पांस होगा वो कैसा होगा स्लो होगा ठीक है तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो स्लो करते होंगे उसको प्लांट में डाल दो जो फास्ट करते होंगे एनिमल में डाल दो तो लिनियस ने ये चार बेसिस पर दो किंगडम बना दिए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम और इन प्लांट और एनिमल में इन सबको डाल दिया लेकिन इसकी हमको बहुत सारी बहस लगी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस लगी इसीलिए हम आए थ्री पे थ्री में भी सेटिस्फाई नहीं हुए इसीलिए हम आए फोर पे फोर में भी मजा नहीं आया सबसे ज्यादा मजा किस में आया मौजमा बेटा सबसे ज्यादा मजा आया मुझे फाइव किंगडम में किसमें आया फाइव किंगडम तो उसको डिटेल में पढ़ना हमने ठीक है सबको नहीं पढ़ना बेटा जिस जिस तुम्हारी नोटबुक में मॉड्यूल्स में ये थ्री फोर डिटेल में दिए हुए वो नहीं आएंगे जो मैं करवा रही हूं कंप्लीटली बेस्ड है भरोसा करके करो इससे बाहर पेपर नहीं आएगा इतना तुमने कर लिया तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो वेटेज है ना जो दो सवाल यहां से आने वो दो सवाल तुम्हारे गलत नहीं होंगे इतनी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ ठीक है जी अब एक्स्ट्रा करने का समय गया इतना भी जितने नोट्स मैं तुम्हें बनवा रही हूं इतने नोट्स तुम अच्छे से कर लो तुम्हारी नैया पार है बेटा तुम तीन नहीं तो तीन से ऊपर तो हो ही हो क्योंकि 360 के लिए यार एक्स्ट्रा एच चाहिए होता है दो साल से मेहनत करनी पड़ती है बट कोई बात नहीं कोशिश करेंगे और क्वालिफाई कर लेंगे 620 से ऊपर नंबर लाना हमारा एम है ठीक है जी चलो इतना कर लो बहुत है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया नाम याद रखेंगे आर विटेकर। एच विटेकर ने दिया ठीक है जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है भैया इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये मल्टीपल टाइम्स पेपर में आ चुका है हर मॉक टेस्ट में भी तुमको मिल जाएगा

बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यूनिसेल्युलर को अलग ग्रुप में डाल दिया और मल्टी को अलग ग्रुप में डाल दिया तो यार ऐसे इसने क्लासिफाई किया तीसरा बेसिस बेटा इसका क्या था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नेक्स्ट बेसिस वाज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा ये एक पीवाई क्यों आ चुका है एक बार यू नो मुझे याद नहीं आ रहा किस साल में आया था बट दिस वाज ने पीवाई क्यू में बेटा उन्होंने में डाला था कि आ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट अ मोड यूज्ड बाय आर एच उस पे गलती से बेटा बच्चों को नंबर मिल गए थे जो कि लेटर ऑन गलत साबित हुआ था क्योंकि एनसीईआरटी खुद कहती है कि इसने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे क्लासिफाई किया तो उस क्वेश्चन के बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे ठीक है तो आपको याद रखना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एक बेसिस था आर एच बिटाकर का नेक्स्ट बेटा इसमें आ जाता है न्यूट्रिशन के बेसिस पे उसने क्लासिफाई किया न्यूट्रिशन के बेसिस पर न्यूट्रिशन के बेसिस पर कैसे होगा कि कौन ऑटोट्रॉफिक है और कौन हेटेरोट्रॉफिक है और एनसेस्ट्रल हिस्ट्री एनसेस्ट्रल हिस्ट्री के बेसिस पे बेटा जी उसने क्लासिफाई किया तभी तो बेटा ये मोस्ट एक्सेप्टेड है इसको मोस्ट एक्सेप्टेड क्यों रखा गया क्योंकि बेटा इसने फाइलोजेनी यूज़ कर ली। फाइलोजेनी समझते Evolution को यूज़ किया। उसने डिसेंडेंट्स देखे सारे इंसेस्टर खंगोल मारे कि कौन किसको कॉमन इंसेस्टर और कॉमन एंसेस्टर के बेसिस पे उसने क्लासिफाई किया बेटा इसने फाइलोजेनी ले ली ना दिल जीत लिया इसने सारे साइंटिस्ट का सारे बायोलॉजिस्ट का दिल जीत लिया कि यार प्रो यू मल्टी यूनी ये सब बातें करते हैं लेकिन कौन बात नहीं करता है क्लासिफिकेशन में एवोल्यूशन की कि तुम कहां से आए हो तुम्हारा एंसेस्टर कौन है बेटा ये लेकर लेकर पॉइंट आकर दिल जीत लिया बेटा Since इसने दिल जीत लिया यहां से तो दिल जीतने वाली बात तो कर दी तो यार ये मोस्ट एक्सेप्टेड हो गया मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ सिर्फ इस फाइलोजेनी की वजह से किसकी वजह से फाइलोजेनी की वजह से ठीक है जी यस yes? चलो अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूं एनसीआरटी से जस्ट सेकेंड मी जस्ट शो वो हमें करना है वो हमें करना है एक सेकेंड रुक जाइए बस मुझे ना एक मिनट लगता है बस ठीक है जस्ट सेकेंड बच्चों तब तक सेशन को लाइक कर दो भैया है ना फटाफट से सेशन को लाइक कर दो मेरे पास आ रहा है उड़ता हुआ आ गया ये डायग्राम बेटा हमें देखना है मैं इसको वहां खोल लेती हूं दिख रहा है यस इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ हो गया यस प्लीज ओपन दिस डायग्राम फ्रॉम एनसीआरटी यस बेटा डायग्राम को ओपन करो ओपन करो सब अच्छे और मुझे बताओ मैंने ओपन कर लिया लाइक करके बता दो फटाफट फट से <laughs> yes. अच्छा इलेवन एम का टाइम कर दे टू थ्री फोर यस yes. इस डायग्राम में से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और आज सवालों की झड़ी लग जाएगी बेटा जब मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगी ना फर्स्ट आई एक्सप्लेन टेबल एंड देन आई एल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिसली रेडी हो जाना इसको अभी, के अभी समझो और अभी के अभी सवालों के आंसर दो बेटा सबसे पहले समझते हैं हां जी सबसे पहले बेटा फाइव किंगडम सिस्टम हमें मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है क्योंकि दिल जीतने वाली बात कर दी थी एवोल्यूशन वाली ठीक है जी तो बिटाकर साहब ने सबसे पहले सेल टाइप लिया ठीक है सेल स्ट्रक्चर सेल टाइप की बात है

पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से बनी हुई है ठीक है अमाइनो एसिड के लिए मैंने वर्ड यूज कर लिया पेप्टाइड, कर सकते हैं कर सकते हैं अमाइनो एसिड के लिए और पॉलीसेकेराइड के लिए ग्लाइको ग्लूकोज यही होता है शुगर यानी कि इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है इसकी सेल वॉल बनी हुई है पेपटीडो ग्लाइकन है ना किससे बनी हुई है बेटा पेपटीडो ग्लाइकन प्रोटेस्टा में वॉल कुछ में प्रेजेंट है

प्लांट का हमें क्लियर पता है कि सेल वॉल कैसे होगी सेलोसिक एनिमल में बेटा सेल वॉल होती नहीं है ठीक है जी सेल वॉल होती नहीं है बेटा इसमें से बड़े सारे सवाल बनते हैं बहुत सारे सवाल बनते हैं क्योंकि भैया इसमें से बताओ कितने लोगों कितने किंगडम की सेल वॉल नॉन सेल्युलोसिक है किसकी सेल्युलोसिक है किसके पास है ही नहीं अभी सवाल आएंगे

ठीक है प्रोटिस्टेंस भी अपने यूनिसेलर होते हैं तो सेलर बोलेंगे अब बेटा मल्टी फॉर्म में सबसे पहले कौन आया फंजाई तो फंजाई इज़ द फर्स्ट वन मल्टी मल्टीसेलर लेकिन बेटा अभी इसमें टिश्यू ना प्रॉपरली नहीं बने कैसे बने लूज लूज टिश्यूज है कैसे हैं बच्चों लूज लूज टिश्यूज है दे। देन प्लांट में आ जाओ टिश्यू और ऑर्गन और बनने शुरू हो गए इधर बेटा टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन और और सिस्टम बनने चालू हो गए ओके जी आ जाओ आगे आ जाओ नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट वन आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा मोनरा ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं दोनों हो सकते हैं अगर या फिर ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं है, है. है तो, बेटा, है तो है. बेटा मैं आपको बताऊं पृथ्वी पर इस पूरे ब्रह्मांड पर पृथ्वी पर सारे के सारे कीमो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं और कोई भी बेटा केमिकल को यूज करके खाना नहीं बना सकता है यह क्षमता सिर्फ किस में है बैक्टीरिया में है जो कि में आते हैं पृथ्वी पर और कोई कीमो फोटोसिंथेटिक है ही नहीं कीमो ऑटोट्रॉफिक है ही नहीं कौन है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है देन प्रोटिस्टा पे आजा बेटा ये भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं ये भैया हेट्रोट्रॉफिक होंगे एंड पैरासिटिक प्लांट आपके ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक और एनिमल्स बेटा होलोजोइक और सेप्रोफिटिक अच्छा बेटा प्लांट का जो न्यूट्रिशन है इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो होलोफाइटिक होलोफाइटिक और एनिमल्स जो इंजेक्शन करते हैं इसके लिए टर्म यूज कर सकते हो होलोजोइक क्या यूज कर सकते हो होलोजोइक इसको ऐड कर लीजिए इसको बेटा जी ऐड कर लीजिए होलोफाइटिक और होलोजोइक कर लो ऐड फटाफट -पट से यस <laughs> yes. कर लीजिए ऐड कर लिया सवाल पूछ लो बेटा आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल बहुत सारे सवाल आएंगे बेटा लाइन से बता दो जो जो रेडी है फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो रेडी फॉर क्वेश्चन यस यस

नॉन सेल वॉल कितने किंगडम में है एक में है दो में है तीन में है, चार में आंसर दीजिए नॉन सेल्यूलोसिक वॉल किस किस कितनों के पास है कितनों के पास है वन टू थ्री फोर ऑप्शन मिल रिमेन सेम वन टू थ्री फोर इज द ऑप्शन नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल देख के बता दो चीटिंग कर लो बेटा चीटिंग कर लो यहां से नॉन सेल्यूलोसिक वॉल कितनों के पास है हाउ मेनी वन टू थ्री फोर यस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी टू किसके पास है बैक्टीरिया पेप्टीडोक्लाइकन की बनती है और फंजाई आपकी अगेन नॉन सेल्यूलोसिक काइटिन की बनती है तो दो ऐसे किंगडम है जिनके पास नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल है नेक्स्ट क्वेश्चन इन पांचों में से सेल वॉल कितने किंगडम्स में एबसेंट है सेल वॉल इज एबसेंट इन हाउ मेनी किंगडम्स बताओ कितनों के पास बच्चे सेल वॉल नहीं होती है सेल वॉल इज एब्सेंट कंप्लीटली एब्सेंट मतलब एक भी मेंबर के पास नहीं होगी भैया मोनेरा के पास तो होती है क्लियर है प्रोटेस्ट में भी कुछ के पास होती है फंजाई के पास भी होती है प्लांट के पास भी होती है सिर्फ एक ही है जो उसके पास नहीं होती एनिमल्स एनिमल्स के पास कभी भी नहीं होती देन हाउ मेनी किंगडम आर देयर विद प्रॉपर टिश्यू सिस्टम जिसमें टिश्यू एक सिस्टम बना ले रहा है वो कितने किंगडम्स है बेटा जी सिस्टम वाले यस yes. कितने हैं बताओ ये, ये ट्रिकी सवाल है ये डायरेक्ट नहीं है ट्रिकी है. Yes. कितनों के पास है हाँ जी कितनों के पास है बच्चों टिश्यू सिस्टम वन नो no, बेटा नो no, बेटा देखो इनके पास तो टिश्यू की कोई सीन ही नहीं है सेलुलर सेलर यानी कि यूनिसेलर वाले है. बेटा फंजाई के पास अभी लूज लूज टिश्यू सिस्टम नहीं बना रहे सिर्फ यही दो सिस्टम बना रहे हैं यानी कि प्लांट और एनिमल सिर्फ अकेले हैं जिनके पास टिश्यू सिस्टम मौजूद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर विद प्रॉपर ऑर्गन्स भैया टिश्यू सिस्टम अगर दो में है तो ऑर्गन भी तो दो में ही बनेंगे प्लांट और एनिमल में ही क्या है

ऑटोट्रॉप ऑटोट्रॉप भैया हमने देख के बता दिए एक तो मोनर ऑटोट्रॉफिक है देख लो यार सब कुछ इसमें आंसर ये देखो ये भी ऑटोट्रॉफिक है इसमें भी कुछ ऑटोट्रॉफिक प्रोटेस्ट में भी और बेटा प्लांट बस तीन यानी कि इसमें से तीन ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक में काउंट होते हैं मोनरा प्रोटेस्टा एंड प्लांटे नेक्स्ट सवाल बेटा आ सकता है इसमें से कितने फोटोसिंथेटिक हैं कितने किंगडम में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तुम बोलोगे तीनों में तीनों में है क्योंकि यार इसमें भी फोटो वाले हैं इसमें भी फोटो का मेंशन किया हुआ इसमें भी मेंशन किया हुआ तीन में मेंशन किया हुआ ना सो so आंसर आ जाएगा आपका नंबर थ्री देन तुम्हारे पास आ सकता है मेरी लाइन पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर सिर्फ बैक्टीरिया ही ऐसे है जो केमिकल को यूज करके एनर्जी बना सकते हैं तो एक ही हुआ बैक्टीरिया वाला मोनरा ही हुआ ठीक है जी इसमें से कितने सैप्रोफिटिक हैं कितने कितनेटिक है भैया तो कितने सारे हैं है फंजाई है प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया सब में सैप्रोफिटिक लिखा हुआ देखो यहां भी है ठीक है इधर भी होते हैं बेटा सैप्रोफिटिक देन आपकी फंजाई भी हो सकती है सैप्रोफेटिक और एनिमल्स भी हो सकते हैं सैप्रोफेटिक तो टोटल कितने हो गए बच्चों चार हो गए ठीक है कितने सेलुलर मोड वाले हैं हाउ मेनी ऑफ देम विद सेल्यूलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही सेलर यहां पर यूनिसेलर को बोल रहा है यूनिसेलर हमने दो रखे हैं मोनेरा और प्रोटेस्टा मोनेरा एंड प्रोटेस्टा समझ आया बेटा पता चला कि इस टेबल में से कैसे सवाल बन सकते हैं <coughs> <coughs> बता दो फटाफट से इज दिस नाउ क्लियर कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन दिस कम फ्रॉम दिस पोर्शन फ्रॉम दिस टेबल तो ये टेबल को हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना इस table में से कुछ भी पूछा जा सकता है ये टेबल आपको बाय हार्ट एनसीआरटी का याद होना चाहिए थीके? याद होना चाहिए चलो ओके okay. अब बेटा करते हैं कि कुछ NCRT में बेटा इंपॉर्टेंट lines लिखी हुई है इसी टेबल के बेसिस पे और वो तुम्हें ना हिला के रख देंगे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे ठीक है विटैकर साहब ना थोड़े अलग थे साहब को कोई मतलब नहीं था कि यार वो फोटोसिंथेसिस करता है नहीं करता है उसने बस एक दिमाग लगाया विटाकर ने एक दिमाग लगाया कि भैया अगर कोई यूनिसेलर प्रो कैरेट है तो वो मोनेरा में यूनिसेलुलर यू केरेट है तो वो प्रोटिस्टा में जाएगा बस उसने इतना दिमाग लगाया ठीक है मतलब अकॉर्डिंग टू विटाकर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रही हूं अमीबा देखना अमीबा पैरामीशियम अमीबा पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास इसको मैं अलग रंग से लिख लेती हूँ क्लेमाइडोमोनास बेटा इसमें ना ये मत चेक करने लग जाना मैम आपने अंडरलाइन नहीं किया मैम आपने ना कैपिटल नहीं किया वो समझ जाओ यार लिविंग वर्ल्ड में करके आए हो कि यू uh, you know, नो क्लेचर कैसे होता है वो समझ जाओ ठीक है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला ठीक है विटाकर भाई साहब ने इन सब को इन सबको इकट्ठा प्रोटिस्टा में डाल दिया है ना भैया क्योंकि विटाकर के अकॉर्डिंग सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट प्रोटेस्ट में आने चाहिए थे लेकिन गोइंग बैक टू कैरलस लीनियस अगर मैं वापस बेटा कैरलस लीनियस पे जाऊंगी तो कैरलस लीनियस ने इन दोनों को एनिमल्स में डाला था और इन दोनों को किस में डाला था प्लांटे में डाला था यानी कि ये दो चीजें अमीबा पैरामीशियम और

अगर ये यूनिसेलर प्रोकैरियोट है तो ये प्रोटिस्टा में जाएगा प्रोटिस्टा में जाएगा अब तुम यहां सोचोगे मैम एल्गी है ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला तो यूनिसेलर ग्रीन एल्गी है ये तो मैम प्लांट किंगडम में होने चाहिए थे होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे ये किस में होने चाहिए थे प्लांट किंगडम में होने चाहिए थे लेकिन मैम विटाकर ने इसको प्रोटिस्टा में क्यों डाला क्योंकि बेटा विटाकर नहीं सुनता था कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है नहीं कर सकता लेकिन हम समझते हैं हम समझते हैं कि भैया ये फोटोसिंथेटिक एल्गी है इसको प्लांट किंगडम में पढ़ो तो हम पढ़ेंगे अपने हिसाब से हम पढ़ेंगे इसको प्लांट किंगडम के अंदर ही लेकिन विटाकर ने ये सब चीजें नहीं देखी उसके माइंड में सिर्फ एक ही फंडा था कि भैया जो यूनिसेलर यू के रिट है वो में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू विटाकर याद रखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू विटाकर समझ आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं कि हम ग्रीन एल्गी को पढ़ते तो कहाँ है प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं लेकिन बेटा विटाकर ने ये सब चीजें नहीं देखी ने देखा कि ऑल चाहे कोई कोई भी हो उसको कोई लेना देना नहीं है वो सब किस में जाएंगे? में जाएंगे। किस में जाएंगे? में 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 जाएंगे 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 ठीक है सोच के बताओ इसको किस में डालेगा Will he put this in protista? नहीं क्यों? क्योंकि मल्टी सेलर ग्रीन एल्गी तो यार उसे एल्गी से मतलब नहीं था उसने मल्टी सेलर देखा और पहुंचा दिया इसको प्लांट किंगडम में किसमें पहुंचा दिया प्लांटे में पहुंचा दिया ठीक है ये बात समझ आई तो हम लोग बेटा जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना हम क्लोरेला सबको एक साथ पढ़ेंगे बिकॉज हमारे अकॉर्डिंग वो प्लांट में लेकिन विटाकर के अकॉर्डिंग सब लोग प्लांट में नहीं थे ऊपर के वो UK, uh, क्या कहते हैं जो है वो प्रोटेस्टा में थे और ये जो है वो आपके प्लांट में जाएंगे अब आपसे सवाल विटाकर के अकॉर्डिंग यीस्ट कहां जाएगी यस yes, बच्चों विटाकर के फाइव किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग वेयर ही शुड प्लेस यीस्ट यस बताओ बताओ, yes, <coughs> बताओ, कहां डाले ईस्ट को विटाकर ने कहा डाला होगा दिमाग लगाओ बिटाकर ने कहा डाला होगा आई एम लुकिंग एट योर आंसर बच्चों विटाकर ने ईस्ट को कहां डाला होगा बेटा आपसे नहीं पूछा है कि आप कहां डालेंगे अहमद मैं कह रही हूँ अमृता विटाकर ने कहा डाला होगा ये विटाकर की लाइन याद कर लो मैंने इसको लाल रंग से रंग देती हूँ इस लाइन को ये बेटा विटाकर. विटाकर का एक ही फंडा और वो फंडा ये है कि अगर कोई यूनिसेलर पाया गया और यू पाया गया मैंने उसको प्रोटेस्टा में डाल देना विटाकर ने प्रोटेस्टा में डाल देना फिर यूनिसेलर है हांजी यू के जी तो विटाकर के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग बेटा जी विटाकर के अकॉर्डिंग यीस्ट फंजाई में नहीं जाएगी यीस्ट विल गो इनटू टू प्रोटेस्टा बट अपने लोग पढ़ेंगे कब फंजाई में पढ़ेंगे कहा फंजाई में तो अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम यीस्ट डज नॉट बिलोंग टू फंजाई यीस्ट बिलोंग्स टू प्रोटेस्टा यस तो ये मैं कहना तुम्हें चाह रही हूँ ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है इस पे तुम्हें सवाल आ सकता है कि विटाकर ने क्लोरेला को किसमें डाला स्पायरोगायरा को किसमें डाला यीस्ट को किसमें डाला सो यू शुड नो कि वो सारे यूनिसेलर यू के रेट को किसमें डाल देता था प्रोटेस्टा में डाल देता था सो विद दिस वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगला चलते हैं टू द सिक्स किंगडम मैंने बताया एक सिक्स किंगडम वाला मामला भी है सिक्स किंगडम में सबसे पहले थ्री डोमेन्स में बेटा डिवाइड किया गया किसने दिया बेटा थ्री डोमेन्स वाला सिस्टम बाय इसने कहा कि यार किंगडम से ऊपर क्या आते डोमेन तो बेस्ड ऑन एस आर आर एन ए सीक्वेंस सिक्सटीन एस आर आर एन ए सीक्वेंस इसके बेसिस पर बेटा इसने ना तीन डोमेन बना दिए क्या बना दिए तीन डोमेन बना दिए डोमेन नंबर वन आर्किया ये कलर दिख रहा है ये क्या बना दिए डोमेन बना दिए पहला डोमेन दिया आरकिया देन प्रोकेरिया कैसे अजीब नाम है ना बेटा यू केरिया प्रोकेरिया एंड यू केरिया तीन डोमेन बनाए इसने बोला किंगडम से भी ऊपर क्या आते हैं डोमेन डोमेन के अंदर में किंगडम डालूंगा डोमेन के अंदर मैं किंगडम डालूंगा इसके अंदर बेटा जी इसने जो किंगडम डाला दैट इज आर के बैक्टीरिया वो उसने यहां पर किंगडम डाल दिया आरके बैक्टीरिया इन्होंने बेटा किंगडम डाल दिया मोनेरा मोनेरा यानी कि यू बैक्टीरिया ठीक है इसके अंदर और के अंदर और के इसने चार किंगडम डाल बचे हुए फंजाए, प्लांट एंड एनिमल यस तो ये है अपना सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो टोटल किंगडम गिन लो टोटल किंगडम गिन लो बेटा कितने हो गए छह हो गए ना छह किंगडम तो तीन डोमेन के अंदर छह किंगडम आते हैं तीन डोमेन कौन से आर्किया प्रोकरिया एंड यूकेरिया आर्किया के अंदर आर्किया बैक्टीरिया नाम का किंगडम प्रोकरिया के अंदर यू बैक्टीरिया नाम का किंगडम और बचे हुए चार प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमल आपके यूकेरिया के अंदर आ जाएंगे ठीक है जी यस सो विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर छुट्टी नहीं हुई है छुट्टी ना को अभी नहीं ठीक है अभी बेटा हमने फर्स्ट किंगडम चालू करना है हम फाइव किंगडम के हिसाब से पढ़ेंगे हमने कोई डोमेन नहीं पढ़ना है हम बेटा फाइव किंगडम विटाकर जी को फॉलो करते हुए क्योंकि उन्होंने ले आए थे वो तो उसके अकॉर्डिंग बेटा वन वन बाय किंगडम करते जाएंगे पहले मोनेरा पढ़ेंगे फिर प्रोटेस्टा पढ़ेंगे फिर फंजाई पढ़ेंगे और प्लांट में प्लांट पढ़ेंगे प्लांट वाले में एनिमल किंगडम का तो अलग ही चैप्टर है तो यानी कि इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाना है मोनेरा पढ़ाना है प्रोटेस्टा पढ़ाना है और फंजाई डिटेल में पढ़ाना है ओके जी रेडी मोनरा का बहुत सारी चीजें यार हम सेल वाले चैप्टर में करते हैं तो बहुत सारी चीजें मैं फास्ट फास्ट करवाऊंगी आपको मोनरा में रेडी बता दो फटाफट से एक बार इस सेशन को लाइक करके सेशन को लाइक करके बता दो बेटा फटाफट से कि हम मैम तैयार हैं हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार हमारे यू नो स्कूल में ये वो होती थी प्रेयर होती थी प्रेयर होती थी, थी। बेटा हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार अब आगे मुझे ना याद नहीं आ रहा सम पेट्रियोटिक सॉन्ग मतलब स्कूल में हम लोग इसको गाते थे अब मुझे ना पूरा याद नहीं आ रहा <laughs> चौधरी शिवम चौधरी अंडू नहीं करना इसको कह रहे कितनी बारी करे मैम अंडू हो जाएगा बेटा अंशिका मैंने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है जरा जाओ तो कहा लिंक ट्री पे लिंक ट्री पे क्लिक करो ट्वेल्थ क्लास पे ठीक है क्या किया मैंने ट्वेल्थ क्लास पे क्लिक किया और ट्वेल्थ क्लास में जाकर तुम देखोगे ना ये देखो बायोटेक्नोलॉजी इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ है छह लेक्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिस के हैं चार लेक्टर आन, ओ, क्या कहते हैं एप्लीकेशन के हैं तुम खोजो तो जाकर कौन सा चैप्टर पूरा नहीं कराया तुम मुझे बता दो लिंक ट्री से लिंक ट्री देखने के बाद कोई बच्चा बोल नहीं सकता नहीं कराया बेटा आपने ढूंढा नहीं अच्छे से कोई बात नहीं कोई बात नहीं जाइए ढूंढिए बिल्कुल ढूंढिए तो बेट जाकर बेटा चैप्टर पूरा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है आप यहां से देख लो क्या फर्क पड़ता है, है फर्क नहीं पड़ना चाहिए ओके चलो फर्स्ट किंगडम बेटा शुरू करते हैं बड़ा सारा काम है बेटा आज करने वाला फर्स्ट किंगडम इज गोइंग टू बी मॉनरअ क्या शुरू करेंगे मोनेरा शुरू करेंगे हाँ जी बेटा पीडीएफ इसकी मैं दूंगी टेलीग्राम पर इट इज विद द नेम सी पाहुजा बायोलॉजी ओके हाँ जी आ जाना बेटा ज्वाइन कर लेना हाँ जी किंगडम मोनेरा की बात करें तो द ओनली मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम सोल मेंबर्स सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम दे आर बैक्टीरिया कौन है इकलौता मेंबर बेटा याद रखना पृथ्वी पर

सेल मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है सेल सेल वाला समर्थ बैच में ही बेटा तुम इसके देख सकते हो तो जो बच्चे ऑल स्टार बैच वाले यहां घूम रहे हैं उन्होंने तो ही करा है कि प्रो के रेड के पास न्यूक्लियस नाम की चीज और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम की चीज नहीं होती है नहीं होती है मैं लिखूंगी क्रॉस

यूकेरियोट की जो साइटोप्लाज्म है वो गोल गोल घूमती है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी चक्कर चक्कर खाती रहती है जिस खाने को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस लेकिन प्रोकैरियोट में बेटा यही साइक्लोसिस जो है वो एब्सेंट है क्यों क्योंकि साइक्लोसिस करने के लिए साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर मांगता है सेल मांगता है वो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बट बेटा इसके पास साइटोस्कल्टा स्ट्रक्चर नहीं है अगर साइटोसकेल्टा स्ट्रक्चर नहीं है तो वो कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे नहीं कर सकते हैं ठीक है जी तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं ऑफ द सेल ऑफ प्रोकैरियोट देन थर्ड इन अदर फीचर्स जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है सबसे पहले बेटा मोस्ट अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही मिलेंगे सबसे ज्यादा बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको इसी किंगडम के अंदर मिलेंगे बेटा ये जो किंगडम है ये कॉस्मोपोलिटन है बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कॉस्मोपोलिटन या फिर यूबिकटस यूबिकटस याद करो बेटा कॉस्मोपोलिटन वो होता है जो विश्व भर में हर जगह पाया जाता है ठंड है गर्मी है टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है नमक ज्यादा है कुछ भी हो ये हर जगह मिलेंगे कॉस्मोपॉलिटन बेटा एक मैगजीन uh, भी आती थी कॉस्मोपॉलिटन नाम की हर जगह तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है फाउंड फाउंड एवरीवेयर एवरीवेयर समथिंग इज इज इट कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन और Cosmopolitan तुम्हारे बैक्टीरिया हैं क्योंकि बेटा ये हॉट डेजर्ट में भी मिलेंगे तुम्हें अपने हाथ में भी मिलेंगे तुम्हें अपने टेबल में मिलेंगे? भी मिलेंगे स्नो में भी मिलेंगे समुद्र के अंदर देख लो बेटा हवा में देख लो सॉइल में देख लो हर जगह हर जगह

बेटा दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर बट क्या स्ट्रक्चर पे बात रुकती है नहीं दे हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बच्चा क्या टिक करके आता है कि भैया प्रो है सब कुछ सिंपल होगा नहीं प्रो का मतलब ये नहीं है सब कुछ सिंपल होगा सिंपल है स्ट्रक्चर में लेकिन बिहेवियर इनका बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये हर जगह घुस जाते हैं हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ठीक है जी यानी कि बहुत ज्यादा इनके अंदर केमिकल रिएक्शन है गर्मी की, गर्मी के समय पर गर्मी के हिसाब के मेटाबॉलिज्म ठंड के टाइम पे बेटा ठंड के हिसाब का मेटाबोलिज्म यानी कि इनके अंदर जो मेटाबोलिक डाइवर्सिटी है ना मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा है इट इज ऑल्सो ह्यूज बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डायवर्सिटी शो करते हैं क्या ये फीचर समझ आए यस yes. क्या ये फीचर समझ आए बहुत बढ़िया बेटा मिस्टर कार्ल जॉनसन ये जो सेल डिवीजन के बीच में घुसे हुए यार ये क्या यू you नो know, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊं इन क्या कहते हैं नॉक गाइज का फीचर बताते जैसे आज का क्लासी फीचर क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही बच्चों हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं ये जो नॉक नॉक बात चल रही है कि यार बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा एक आदमी कह रहा है लिम्फ वेसल रहे थी दूसरा कह रहा है सेल रहे था बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना यू आर डूइंग सोल्टेशन सोल्टेशन याद है जंप कर रहे हो एक टॉपिक से दूसरे दूसरे पे तीसरे तीसरे से चौथे जंप कर रहे हो ये पूरा हो गया ये पूरा हो गया तो बेटा अगर सेल डिवीजन में डाउट है ना सेल डिवीजन वाली क्लास में जाइए अगर आपको लिम्फ में डाउट है डाइजेशन वाली क्लास में जाइए सर्कुलेशन वाली क्लास में जाइए यहाँ नहीं होगा यहाँ नहीं होगा ठीक है ये नॉक नॉक गाइज है बच्चों ये तुम्हें आगे पहुंचाएंगे मैं बता रही हूँ तुम सब इनको थैंक यू बोलो मिल के थैंक यू बोलो कि भैया अच्छा हुआ तुषार भैया आप यहाँ आए आपने बताया कि एक सीट तो आप खाली कर ही रहे हैं एक सीट तो आपके नाम की खाली हो ही रही है फिर भी पूछ रहा है

यस जस्ट लेट मी शो यू बच्चों दिखा दो नेक्स्ट डायग्राम बेटा जी जो हम करने वाले हैं वो हम ये वाला करने वाले हैं। आ रहा डायग्राम उठ क्या आ रहा है यस बच्चों ये देखिए तो अब बेटा थोड़ा बैक्टीरिया के टाइप्स कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप सबसे पहले शेप देख लो बेटा इसमें से भी सवाल आ जाता है

अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेटा फीचर्स जो तुम्हें यहां फोटो से पता चलते हैं जो सवाल में आ सकते हैं सबसे पहली चीज इनके बारे में कि यार ये तो क्या है स्फेरिकल है ठीक है ये हमेशा हमेशा नॉन मोटाइल होंगे क्योंकि इनके पास कभी भी फ्लैजेला नहीं होगा याद रखना है फ्लैजेला इसमें ऑलवेज एब्सेंट सो दे विल ऑलवेज बी बेटा एनसीईआरटी में नोट कर लो चाहिए चीज दे विल ऑलवेज बी नॉन मोटाइल कैसे होंगे बेटा जी हमेशा हमेशा नॉन मोटाइल होंगे पूछा जा सकता है कौन सा बैक्टीरिया हमेशा नॉन मोटाइल होता है तो बोलोगे कोकस वाला देन बेटा बैसेलाई बैसेलाई की बात है बेटा ये है रॉड शेप्ड ठीक है सिलेंड्रिकल यानी कि रॉड शेप्ड सबसे ज्यादा बेटा बैक्टीरिया प्रेवलेंट कौन से हैं यही है बैसेलाई दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कैटेगरी मोस्ट अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट कौन से है, है बेटा जी यही है ठीक है जी इनके पास फ्लैजेला हो भी सकता है नहीं भी हो सकता बेटा डाउट uh, है मतलब कुछ के पास होगा और नहीं भी हो सकता मैंने दोनों लगा दी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता देन बेटा स्पाइरल बैक्टीरियल होंगे ठीक है इस तरीके से इनके पास भी बेटा फ्लैजेला कुड भी प्रेजेंट ये यह ही रहा तुम्हें और इट कुड बी एबसेंट ऑल्सो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता देन आते हैं कॉमा शेप्ड ये कैसे हैं विब्रियो है कॉमा शेप जैसे विब्रियो कॉलर होता है ना इसके पास में बेटा फ्लैजेला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ओके चलिए सो विद विद दिस वी आर डन द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप किसके हिसाब से क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप नेक्स्ट बेटा फटाफट पड़ से बेसिक मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगी किसका प्रोकैरियोट का यस आई वुड लाइक टू फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट बना दो वैसे तो बेटा हम ये सेल में करते हैं बट फिर यहां पर बनाना भी जरूरी है यहाँ पर सवाल आ जाता है सवाल आ जाता है तो भैया तुम्हें तो बता प्रो के में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होती है की बनी हुई सेल वॉल ये मैंने क्या बनाई है सेल वॉल बनाई है किसकी बनी हुई होगी की बनी होगी ये देखो प्लस वाले बच्चे मैं समझ रही हूँ कोई पढ़ाया नहीं कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं बीजे बैठ के हैं कॉल कर रहे हैं वेरी बैड शालिनी सिंह किसी को दिखे प्लस वाली बच्ची तो बता देना कि मैम ने यूट्यूब पे बेटा बैठा शाउटआउट दिया तुम्हें और वो भी अच्छा वाला आउट नहीं दिया ठीक है नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है प्लाज्मा है प्लाज्मा okay. अगर बेटा अंदर सामान देखे क्या क्या होता है प्रोकैरियोट में हमें पता है यार क्या-क्या होता है? सबसे पहली चीज बेटा सेंटर में इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल होगा और ये कैसा न्यूक्लियर मटेरियल होगा बेटा इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए

इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है, है. है उन्होंने तो ये सारी चीजें कल पढ़ी है उन्होंने ये सारी चीजें कल पढ़ी है रिजर्व फूड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज ठीक है जी अब बेटा मैं कुछ मॉडिफिकेशंस बता रही हूँ इनकी मेम्ब्रेन की इनकी मेम्ब्रेन के पास कभी-कभी बेटा इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को ऐसे धंसी हुई होती है धंसी हुई होती है एक धंसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम मीजोजोम। ये किसकी मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक और मॉडिफिकेशन बेटा प्रेजेंट होती है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जिसका नाम है क्रोमेटोफोर क्या नाम है क्रोमेटोफोर याद रख लेना बेटा क्रोमेटोफोर एक वो मॉडिफिकेशन है बेटा सेल मेम्ब्रेन ही धंसी हुई है धसने के बाद ये बनाती है

रेस्पिरेशन करता था तो वही काम प्रोकैरियोटिक में मीजोजोम करेगा क्या मीजोजोम का काम सिर्फ रेस्पिरेशन है नहीं बेटा ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे ये इसकी, में भी करेंगे। ये इसकी में भी मदद करेंगे। तो चार फंक्शन हो गए मीजोजोम के सेल में भी पढ़ाए थे रिवाइज कर लो फटाफट से बाइनरी फिशन वॉल फॉर्मेशन कुछ और, और बेटा में निकलती है कुछ ऐसी थोड़ी बड़ी एक्सटेंशन बेटा निकलती है इनको अपने लोग बोलते हैं पायलाय क्या बोलते हैं पायलाय बेटा पायलाय प्र है और एब्सेंट भी हो सकती है इनका काम लोको मोशन में नहीं है दे आर इन्वॉल्व इन रिपोर्डक्शन

यानी कि पायलाय और फिम्बरी लोकोमोशन में मदद नहीं करते हैं नहीं करते हैं नहीं करते हैं लोकोमोशन में मदद कौन करता है लोकोमोशन में बेटा जी मदद करते हैं आपके यस yes, ये जो मैंने यहां पर बनाया है दिस विल हेल्प इन लोकोमोशन दैट इज फ्लैज मोर्टिलिटी में कौन मदद करेगा फ्लैज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ये हमने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में देख लिया था कुछ के पास है जैसे कोकस के पास नहीं है बाकियों के पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का <laughs> यस बाकी तो साइटोप्लाजा है बेटा बाकी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी साइटोप्लाज होगी ये सारी है। मैंने बोला था कि इनका जो सेल है ना खुला दरबार है इनके घर में कमरे नहीं है इनका बेटा वेड़ा है घर होता है ना जैसे जिसमें अकेला वेड़ा होता है No दीवारें ही नहीं है दीवारों का मतलब है लिज ही नहीं है इसके पास ठीक है दीवारें ही नहीं है यानी कि ही नहीं है अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जिनके पास जिनके पास बेटा जी सेल वॉल के बाहर भी एक एडिशनल लेयर होती है यस देर आर सर्टेन बैक्टीरियाज जिनके पास बेटा सेल वॉल के बाहर भी एक एडिशनल लेयर होती है और इस एडिशनल लेयर को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स यस सम के पास होती है सबके पास नहीं होती बेटा ग्लाइकोकेलिक्स ये ग्लाइकोकेलिक्स बेटा सेल वाले बच्चों याद करो ये स्लाइमी भी हो सकती है अगर लूज फॉर्म में हो ये एक कैप्सुल्ड फॉर्म में भी हो सकती है टफ भी हो सकती है ठीक है इट कुड बी स्लाइमी इट कुड बी टफ

जो अपने को टेबल फटाफट से याद करने yes? Ready बच्चों अडिशन मतलब चिपकना ये कौन है अन्ना चौधरी अडिशन का मतलब होता है चिपकना अटैचमेंट याद हो गया हाँ जी, तो चलते हैं बेटा अगले पेज पे और चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हां जी बेटा अब घबराना नहीं है क्योंकि हम काफी सारे टेबल बनाने वाले हैं और टेबुलर फॉर्म में इसको लर्न करेंगे तीन तरीके का बेटा न्यूट्रिशन हो सकता है तो मोटा मोटा डिवाइड करें तो ऑटो और हेटरोट्रॉफिक है बट मैं ऑटो को भी डिवाइड कर दूंगी सो दे कुड बी बेटा ही होते हैं बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना सकते और दे कुड बी फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक अपना खाना खुद बना सकते हैं लाइट को यूज करके और कीमोसिंथेटिक मोसिंथेटिक तो बेटा मैंने तो बताया पृथ्वी पर सिर्फ बैक्टीरिया ही है और कोई नहीं है हाँ जी हेड्रोड्रॉफ्ट में इनका नेचर कैसा हो सकता है में सैप्रोफाइट हो सकते हैं सैप्रोफेटिक और बेटा सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं इन तीनों में से इन तीनों में से फोटो ऑटोट्रॉफिक और हेड्रोट्रॉफिक में से ज्यादा बैक्टीरिया कैसे होते हैं मोस्टली बेटा 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 आपके यही होंगे majority, majority bacteria हेटरो होते हैं और इसमें देखा जाए तो majority यह होती है है ठीक जी याद हो गया तो अगर पूछा जाए बैक्टीरिया का मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है तो तुम बोलोगे मोस्टली जो बैक्टीरिया है कॉमनली क्या होते हैं हेटरोट्रॉफिक ही होते बट वो फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक वाला अपना खाना कैसे बनाएगा विद्प ऑफ लाइट फोटो आ गया ना विदोट्रॉफिकलिकल केमिकल इज गोइंग टू बी कोई नो you केमिकल know, uh, को यूज करके जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं लाइक अमोनिया एंड नाइट्रेट विद दमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी से बनाएंगे विच इज रिलीज बाय इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कर रहे हैं फॉलो बेटा एग्जाम्पल अमोनिया एंड एनओ टू नेगेटिव नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स ठीक है जी तो अगर लाइट की मदद से लाइट को एज एनर्जी सोर्स यूज करके बनाए So that is going to be photo और अगर बेटा केमिकल्स को एज एन एनर्जी सोर्स यूज करके बनाए तो वो क्या हो जाएंगे तो सबसे बात करते हैं कीमो की ठीक है बहुत सारा बेटा लिखने का इस चैप्टर में मजा आ जाएगा तुम्हारे जो नोट बनेंगे ना एपिक नोट्स बनेंगे ठीक है जी फोटो ऑटोट्रॉफिक हाँ बेटा जरा नाम बताना बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए कौन है नेम द स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली तो मैं नहीं बोलूंगी स्ट्रक्चर बताओ अभी पीछे बनाया इसमें बना हुआ है इसमें इस डायग्राम में बेटा वी हैव अ स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया व्हिच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस बेटा आपको मैं बता दूं कि नीट की जंग का सीजन 2 कल है कल कोई भी youtube क्लास नहीं होगी ठीक है मैं पहले बता रही हूं इंतजार मत करना कल कोई भी YouTube क्लास नहीं होगी इसका जो थर्ड पार्ट है वो परसों आएगा क्योंकि कल बेटा अपने सीजन टू समाप्त करना है सीजन टू में टोटल तीन क्लासेस होंगी पहली क्लास सुबह आप बजे देख रहे हैं अगली क्लास बेटा मैं शाम को लगाऊंगी सात बजे और उससे अगली क्लास रात में नौ बजे तीन तीन सी तीन एपिसोड है बेटा नीट की जंग में नीट की जंग में तीन एपिसोड्स हैं तो कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट नहीं होगा आज वाले को एब्सॉर्ब करना जंग में पार्टिसिपेट करना लिंक आपको पिन कर दिया यहां पर भी बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है एनरोल कर लो सब बच्चे ठीक है डू एनरोल इन दैट एंड देन अपने लोग मिलेंगे परसों विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड पार्ट सेम टाइम हां जी मैंने पूछा था आपसे क्या पूछा था फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है बिल्कुल सही आंसर दिया भैया फोटोसिंथेसिस के, के लिए इनके पास है यस yes. क्या होता है बैक्टीरिया के पास जो सबके पास नहीं होगा जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उन्हीं के पास होगा क्रोमैटोफोर के पास फोटो सिंथेटिक पिगमेंट है है ना ये कैसा स्ट्रक्चर है जिसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है अब यार इसके पास कौन से पिगमेंट है है क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल बी ना इसके पास बेटा क्लोरोफिल नहीं है इसके पास कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एक तो है बैक्टीरियो वेरिडन बैक्टीरियो वेरिडन और दूसरा है बेटा बैक्टीरियो पर नाम याद रखना है बैक्टीरियो पर प्यूर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये जो विरिडिन है ये बेटा देता है बैक्टीरिया को ग्रीन कलर पिगमेंट है ना तो रंग ही देगा ग्रीन कलर पर सा कलर देगा पर्पल कलर कौन सा कलर देगा, देगा बेटा जी पर्पल कलर ठीक है याद कर लो इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसके पास क्रोमेटोफोर है तो बैक्टीरियो विरिडिन इन ग्रीन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियो पर प्योर इन पर्पल बैक्टीरिया ठीक है जी नेक्स्ट क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके पौधों की तरह ऑक्सीजन रिलीज करता है तो तो बड़ा मजे आ जाते तो फिर कहां ग्लोबल वार्मिंग होती हमारे हाथ पे इतने बैक्टीरिया है टेबल पे हवा में मानो वो फोटोसिंथेसिस करते हुए ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं तो भैया पेड़ उगाने की जगह लोग बैक्टीरिया उगाएंगे बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे बेटा वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं हियर इन दिस केस बेटा वॉटर इज नॉट यूज एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन डोनर याद रखना वाटर वॉटर इज नॉट यूज एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन डोनर रादर एच टू एस इज यूज एज कौन यूज होता है बेटा जी वॉटर की जगह एच टू एस इज यूज एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन डोनर यानी कि अगर एच टू एस यूज होगा तो ऑक्सीजन तो नहीं निकलेगा ना अगर ऑक्सीजन नहीं निकला तो ये कैसी फोटोसिंथेसिस हुई एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है ना बच्चों कैसी हुई एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बात समझ आई यस बताओ बेटा एन ऑक्सीजेनिक क्योंकि ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है यस yes. यस yes, बेटा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है ओके okay? चलिए अब बेटा हमने बात कर ली कि जो फोटोसिंथेटिक है उसमें ये दो पिगमेंट होंगे उसमें वाटर तो यूज नहीं होता इसमें क्या यूज होता है यूज होता है अब थोड़ा नाम नाम लिख लेते हैं 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 कि कौन से है? नाम बताओ ये फोटो कौन से से बताओ ये बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन करते हैं। बेटा बड़े सारे नाम है घबराना नहीं है फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया ठीक है जी फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया बेटा दो तरीके में मैं इसको क्लासिफाई करूंगी फर्स्ट वुड बी फोटोलिथोट्रॉफ एंड सेकेंड वन वुड बी फोटो photo घबराना नहीं सब कुछ समझ आएगा photo and photo हाँ जी बेटा पोटोलिथोस्ट्रॉप यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर है वो और कोई नहीं बेटा वो एच टू एस है ठीक है लिथोस्फेयर से मिलता ना, है ना अपने को सल्फर है यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर है वो और कोई नहीं वो एच टू एस है और जबकि बेटा ऑर्गेनोट्रॉप में वो एच टू एस नहीं है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन डोनर है तो यार वो फोटो ऑटोट्रॉप्स में आ जाएंगे और अगर बेटा सल्फर के को अलावा कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप में आ जाएंगे तो मैं यहां पर लिख लेती हूं बेटा द वन जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सोर्स यहां पर कौन होगा एच टू एस यानी कि इनऑर्गेनिक सल्फर होना चाहिए इनऑर्गेनिक सल्फर है यहां पर जबकि उस केस में बेटा अगर देखे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन का सोर्स बेटा कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक नहीं है और उसमें सल्फर भी नहीं है ठीक है जी दो केस हो सकते हैं एग्जाम्पल आपको हर केस की आनी चाहिए एग्जाम्पल बेटा जी हर केस की आनी चाहिए इधर आ जाएंगे आपके ग्रीन पल्प ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भैया सल्फर है ना इसमें ग्रीन सल्फर के नाम में सल्फर आ रहा है तो वो लिथो वाले में ही आएगा और पर्पल सल्फर पर, -पर, सर्फर। पर, -पर सर्फर। ये टंग ट्विस्टर हो गया ठीक है जी टंग ट्विस्टर हो चुका है यस टंग ट्विस्टर हो चुका है चलो एग्जाम्पल लिख लो बेटा इसमें एग्जाम्पल आएगी क्लोरोबियम याद रखना है क्लोरोबियम था इधर आ जाएगी थायो स्पायरलम एंड क्रोमेशियम ओके जी चलिए अब इधर आ जाइए बेटा, ऑर्गेनोट्रॉप्स में ऑर्गेनोट्रॉप्स में नॉन सल्फर आएंगे याद रखना बेटा कैसे आएंगे नॉन सल्फर बैक्टीरिया आएंगे तो इधर आएंगे बेटा ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन क्यों बोला है ग्रीन क्यों बोला है बेटा बताना जरा ग्रीन नॉन सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर पर्पल नॉन सल्फर हाँ जी बेटा ग्रीन वाले को ग्रीन क्यों बोला पर्पल वाले को पर्पल क्यों बोला ग्रीन वाले को ग्रीन बेटा इसीलिए बोला क्योंकि तो ना, करने, इसके विरिडिन है, है दूसरे के पास परप्यूरिन था इसीलिए पर्पल है लेकिन नॉन सल्फर है सल्फर नहीं है एच टू एस नहीं यूज हो रहा कोई और कंपाउंड यूज हो रहा है इधर बेटा एग्जाम्पल लिखेंगे क्लोरोनेमा क्लोरोनेमा और बेटा क्लोरोफ्लेक्स ये सारे नोट्स बेटा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे टेंशन नहीं लेना इधर आ जाएगा बेटा रोडो स्पाइरलम रोडो स्पाइर इधर आ जाएगा बेटा स्यूडोमोनास रोडो स्यूडोमोनास ठीक है जी अब इसमें से सवाल क्या आएगा किन चारों में से कौन से कैटेगरी वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सर्स भी हैं कौन से कैटेगरी वाले बैक्टीरिया बेटा जी नाइट्रोजन फिक्सर्स भी हैं तो मैं आपको बता दू बेटा जो ये कैटेगरी है ना ये रोडोस्पाइरम और दे आल्सो एक्ट एज द नाइट्रोजन फिक्सर्स ये नाइट्रोजन फिक्सर भी है ठीक है नाइट्रोजन फिक्सर भी है देख लो बेटा यस कम ऑन हैव अ लुक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डन आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस वो क्यों कर रहा है क्योंकि उसके पास पिगमेंट है और एक कोई एनर्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का सोर्स है वो वॉटर नहीं है वो एच टूएस है इन द सल्फर बैक्टीरिया एच टूएस के अलावा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है इन द केस ऑफ नॉन सल्फर बैक्टीरिया नॉन सल्फर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सर याद रखना रोडो रोडोस्पाइरलम एंड रोडो स्यूडोमोनास विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया ठीक है जी नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया अगले आपके पास आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थकना नहीं है ये नहीं बोलना मैम हम थक गए मैम भी तो कब से खड़ी हैं तुम तो बैठे हो मैं तो कब से बोल रही हूँ तुम तो सुन रहे हो मैं कब से बेटा हाथ से लिख रही हूँ तुम हो सकता है सिर्फ टाइप कर रहे हो इंतजार करोगे टेलीग्राम पे कि कब पीडीएफ आ, आ जाएगी हम तो पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे है ना पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे बेटा ऐसे मजा नहीं आएगा ऐसे मजा नहीं आएगा पीडीएफ से पढ़ने का चलो कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं जो केमिकल सोर्स को यूज करते हैं एनर्जी सोर्स में लाइट को यूज नहीं करते सबसे पहले बेटा कौन से केमिकल को यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन तो उनको बोलेंगे अपने हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाँ यस yes, बेटा आई नो आई नो लंच के लिए तुम्हें तो भूख लग रही है इसके बाद हाइड्रोजीनोमोनास एग्जाम्पल इज हाइड्रो जीनोमोनास ठीक है जी ये हो गया आपका हाइड्रोजन को एज एनर्जी सोर्स यूज करने वाला हाइड्रोजन बैक्टीरिया नेक्स्ट बेटा सल्फर बैक्टीरिया भी है सल्फर बैक्टीरिया बहुत कैच है बेटा इस लाइन में बहुत ज़्यादा कैच है पहले एग्जाम्पल लिख लो एग्जाम्पल हाँ जी बेटा इसमें कैच क्या है कैच है कि मैम आपने सल्फर का नाम फोटो वाले में भी लिया आप कीमो वाले में भी ले रहे हो बेटा फोटो वाले में मैंने जब भी सल्फर का नाम लिया तो वहां पर ग्रीन सल्फर या पर्पल सल्फर था अकेला सल्फर नहीं था अगर ग्रीन या पर्पल साथ में लगा हुआ है तो वो फोटोसिंथेटिक है अगर अकेला सल्फर है तो वो कीमो सिंथेटिका है।, है, है अगर अकेला सल्फर है तो अकेला सल्फर बेटा याद रखना है वो फोटो नहीं है वो कीमो है एग्जाम्पल करना है बिकॉज इट इज अ डी बैक्टीरिया डी क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपको डी बैक्टीरिया वैसे तो मिनरल न्यूट्रिशन में भी करते हैं ये चीज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है थायोबैसिलस है ठीक है जी नेक्स्ट आता है आपके पास आयरन बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया आता है बेटा फेरोबैसिलस यस नेक्स्ट वन इज फेरोबैसिलस आयरन एज एनर्जी सोर्स बेटा यूज कर रहे हैं ये लोग नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया बेटा इसी कैटेगरी में आ जाएंगे लास्ट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हाँ जी बेटा बहुत सारा याद करने का आई नो आई नो तभी बेटा कल का दिन भी दे रही हूँ नीट की जंग के बाद तुम इसे लर्न करके आओगे ठीक है कौन से आ जाएंगे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया बेटा जो अमोनिया को को नाइट्राइट नाइट्राइट में नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रेट कन्वर्ट करते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोबेटा बैक्टर नाइट्रोसिस्टस ये सब हमने नाइट्रोजन साइकिल में करा हुआ है नाइट्रोसिस्टस नाइट्रोबैक्टर ठीक है जी तो ये डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपके फोटो सिंथेटिक नहीं है, बैक्टीरिया है ठीक है अब सवाल आएगा एक डब्बा दे देंगे उस डब्बे में बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया डाल देंगे और पूछेंगे इसमें से कितने ऑटोट्रॉफिक हैं या फिर कितने फोटो ऑटोट्रॉफिक है कितने इसमें से किमो ऑटोट्रॉफिक है तो यार ये एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए कि फोटो ऑटोट्रॉफिक दो कैटेगरी में डालोगे एक जो सल्फर वाले हैं एक जो नॉन सल्फर वाले हैं देन कीमो वाले आपके सामने लिस्ट है हाइड्रोजन को एज एनर्जी सोर्स यूज करना सल्फर को यूज करना आयरन को यूज करना या फिर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ठीक है जी हाँ जी बेटा आगे चले आगे चले चलिए थोड़ा सा और कराऊंगी बेटा ज्यादा नहीं कराऊंगी थोड़ा सा और करेंगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पे किसमें चलते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया और क्लासिफाई करेंगे बेटा पहले तो हमने न्यूट्रिशन के बेसिस पे किया अब और बेसिस लाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन सम मोर बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अच्छा एक बात बताओ नीट की जंग में एनरोल करा कि नहीं करा जरा बताना यस yes. नीट की जंग में बेटा जी एनरोल करा या नहीं करा यस yes. आपको पिन किया हुआ बेटा मैंने नीट की जंग सीजन टू में सीजन टू में ये जो नागिनी पूछ रही है क्विज कब लेते हो बेटा क्विज का ही तो लिंक पिन किया हुआ है

कुछ नहीं हो रहा बेटा इससे कि मेरे को नींद आ रही है मुझे भूख लग रही है मैं थक गया हूँ बेटा ये सब ना अगर तुम्हारे नखरे हैं नखरे वालों का तो वैसे ही नीट नहीं क्रैक होता है ना नीट किसका क्रैक होता है जो लोग त्याग करते हैं तुम लोग त्याग क्या करोगे यार तुमसे यार डेढ़ घंटा बैठा नहीं जा रहा अभी बेटा नाइन्टी मिनट्स भी नहीं हुए नाइन्टी मिनट्स अब होंगे एक मिनट के बाद डेढ़ घंटा बेटा अगर तुम क्लास नहीं लगा पा रहे कौन बड़ी बड़ी बातें करते हैं दस घंटे पढ़ेंगे बैठ के है सोलह घंटे पढ़ाई करेंगे ऐसे नहीं होती यार पढ़ाइया खींचना पड़ता है अपने आप को मनाना पड़ता है अपने ब्रेन को ठीक है जी वैसे नहीं होती ठीक है जी चलो किसकी बनी हुई है, बेटा, है स्यूडोम्यूरियन की बनी हुई है म्यूरियन नहीं है पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है स्यूडोम्यूरियन है ठीक है जी इनकी जो बेटा प्लाज्मा है वो मोनोलिपिड लेनोलिपिड समझ रहे हो बेटा मोनोलिपिड यानी कि जैसे अपनी जो वो तो बाई लिपिड है ना ऐसे एक लिपिड दूसरा एक लेयर दूसरी लेयर है ना ये एक लौते पूरे ब्रह्मांड में पूरे विश्व में पूरे पृथ्वी पर ये एक लौते हैं जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोनोलिपिड लेयर में बनी होती है और यू बैक्टीरिया बेटा कौन से होंगे ट्रू बैक्टीरिया दीज आर ट्रू बैक्टीरिया ठीक है ट्रू बैक्टीरिया वो है जिनकी सेल वॉल बनती है म्यूरियन से म्यूरियन यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन यूरामिक एसिड लिख रही हूं मैं इसको ये पेप्टिडोग्लाइकन होता है बेटा जी ठीक है और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाई लेयर होती है तो भैया कितनी अजीबो गरीब चीजें है आरके बैक्टीरिया में आरके में कितना अजीबो गरीब है एक तो मोनोलिपिड लेयर है किसी में नहीं है सिर्फ इसी में और इसकी जो सेल वॉल है वो स्यूडो म्यूरियन है वो म्यूरियन नहीं है इसी वजह से तो बेटा कितनी अजीब अजीब चीजें हैं इसमें इस वजह से जो आर बैक्टीरिया है ना ये बड़ी ही हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं प्रेजेंट इन वेरी वेरी हार्श कंडीशन गर्मी में अजीब अजीब you know, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेंगे ठीक है जी harsh conditions में भी पाए जाते हैं ठीक है जी चलो नेक्स्ट आता है बेटा आप डिटेल में स्टार्ट करते हैं अपने लोग के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया थोड़ा सा लिखना है बस के देख लो है ना के बैक्टीरिया थकना बच्चों नहीं है आर के बैक्टीरिया चैप्टर है ही बड़ा चैप्टर बेटा काफी बड़ा है और काफी चीजें लर्न करने वाली हैं हमारे इस चैप्टर में बट कोई बात नहीं हम हिम्मत नहीं हारेंगे हम लगे रहेंगे देखो आर के बैक्टीरिया आज जैसे हैं ना वैसे ही पैदा हुए थे इनमें कोई चेंज नहीं हुआ जैसे बेटा ये पृथ्वी पे आए थे आज भी वैसे पृथ्वी पर पड़े नो एवोल्यूशन यानी कि ये लोग क्या हैं जिंदा तो हैं लेकिन लिविंग फॉसिल हैं क्या हैं

और कहा मिलते हैं र्यूमन ऑफ कैटल याद करो डाइजेशन डाइजेशन में कराया था बेटा उनके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, है ना? रेटिकुलम, एबोमेजम याद आया? याद आया बच्चों बताओ बताओ इन द रूमन ऑफ कैटल ठीक है वहां भी मिथेनोजन हैं। और बेटा ये लोग ये तो मैंने हैबिटेट बताया कि कहाँ पाए जाते हैं दलदल में मार्शी एरिया में जहां राइस उगता है राइस और पैडी फील्ड्स में वहां भी पानी पानी होता है ना क्योंकि और रिमेन ऑफ द कैटल में और बेटा दे आर ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी एंड है बेटा ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही पाए जाएंगे ठीक है जी और बेटा ये किस में मदद करते हैं बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ठीक है जी चलो मिथेनोजेंस हो गया मिथेनोजेंस के बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ आर्के बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड एज हैलोफाइल्स हैलोफाइल्स हैलो क्या होता है हैलो होता है बेटा सॉल्ट फाइल होता है लविंग सॉल्ट वाली कंडीशन में रहेंगे हाई सॉल्ट कंडीशन हाई सॉल्ट कंडीशन में रहने वाले हैलो ठीक है ये कैसे हैं दे आर द फैकल्टेटिव एनारोब्स फैकल्टेटिव एन फैकल्टेटिव का मतलब होता है नहीं है, मतलब बेटा ये लोग जनरली तो हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन तुमने गायब भी कर देना तो भी जिंदा रह लेंगे तो तो कि यार रहेंगे। लेकिन यार, वैसे तो मैं लेकिन तुम हटा भी दोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता तो दैट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव ठीक है तीसरी कैटेगरी बेटा यहाँ पर आती है थर्मो एसिडोफाइल्स की बेटा मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि जो तुम्हारे नोट्स बनेंगे ना वो ऐसे नोट्स बनेंगे कि तुम्हें इसके बाद एनसीआरटी पढ़ना इट विल बी लाइक दिस कुछ मैंने देखा है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लोग जनरली रीड कर देते हैं आएगा उसी में से आएगी कि एक एनसीईआरटी की रीड करने से भी हो जाता है लेकिन बेटा याद नहीं रहता है अगर तुम्हें बायो को याद करना है ना तो इस तरीके से लिखना टेबल्स बनाना डिफरेंसेस लिखना एनसीईआरटी को पिरो कर फ्लो चार्ट बना के लिखना बहुत जरूरी है और ये जो तुम्हारे नोट्स बनने ना आर आर वेरी प्रेशियस नोट्स बेटा ये नोट्स तुम पेपर से एक दिन पहले पढ़ो कोई मॉक टेस्ट से पहले पढ़ो तुम्हारा एक क्वेश्चन एक सवाल गलत नहीं होगा और इसके बाद गलती से तुम्हारी एनसीईआरटी मिस भी होगी ना तो भी टेंशन नहीं क्योंकि मैंने सारी एनसीईआरटी बेटा इंक्लूड कर रही है इसके अंदर ठीक है जी यस तो थर्मो एसिडोफाइल्स थर्मो यानी कि हाई टेम्परेचर एसिडोफाइल्स यानी कि एसिडिक टेम्परेचर तो यार एक तो ये हाई टेम्परेचर पर जिंदा रहते हैं मैंने बोला ना बड़े हार्श कंडीशन पे रहते हैं और हाई एसिडिक कंडीशन हाई एसिडिक कंडीशन का मतलब है लो पीएच लो पीएच पर भी सरवाइव कर जाएंगे ये भी कैसे हैं ये भी हैं बेटा जी फैकल्टेटिव एनारोब्स इन्हीं की तरह फैकल्टेटिव एनारोब्स ठीक है जी तो ये बात हो गई आपके आर के बैक्टीरिया की जो कि एक लिविंग फॉसिल है मतलब जैसा आया उसमें कोई चेंज ही नहीं आया अब तक मिथेनोजन थर्मो एसिडोफाइल्स बेटा लास्ट में ना इसका तुमसे माइंड मैप बनवाऊंगी तुम्हें से बनवाऊंगी तुम बन सिखाऊंगी कैसे बनाना है अब यार दो बातें ऐसी हैं इनके अंदर जो कि यूगेटिक जैसी है मतलब कुछ एक्सेप्शन है बेटा इसके अंदर आर के बैक्टीरिया के अंदर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन है बेटा आर के बैक्टीरिया के पास हिस्टोन प्रोटींस हैं तुम समझो यार किसी भी प्रोकैरियोट के पास हिस्टोन नहीं होता एक्सेप्ट आर के बैक्टीरिया आर के बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के अंदर इंट्रॉन्स हैं नॉन कोडिंग सेगमेंट है, है बेटा ये दोनों फीचर्स आर के बैक्टीरिया के किसकी तरह हैं यूकैरियोटिक फीचर्स तो यार इनमें एक्सेप्शन भी हैं क्या है अरे क्या हो गया इनमें बच्चों एक्सेप्शंस भी हैं ठीक है जी तो एक्सेप्शन ये है कि वैसे तो प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं होते इंट्रोन्स नहीं होते बट आर के बैक्टीरिया तीनों की बात हो रही है बेटा इस डब्बे में तीनों की बात हो रही है आर के बैक्टीरिया ऐसे है जिसके पास हिस्टोन भी है और इंट्रोन्स भी है डन डन फैकल्टेटिव का मतलब है बेटा नॉट कंपल्सरी शुरु यादव फैकल्टेटिव एंड एरोब मतलब ये लोग एरोबिक में तो जिंदा रहते ही है लेकिन अगर तुमने ऑक्सीजन गायब भी कर दी तो भी जिंदा रहेंगे मतलब ठीक है जी समझ आ गया का मतलब 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 जनरली तो एरोबिक है बट उसके बिना भी एनरॉबिक रह सकते हैं राइट चलिए नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कैटेगरी बैक्टीरिया की आती है यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया जिनकी वॉल बेटा म्यूरियन से बनती है

साइनो और माइकोप्लाज्मा इसको भी हमें डिटेल में करना है साइनोबैक्टीरिया और माइको को बट ये हम करेंगे परसों की कक्षा में क्योंकि कल यूट्यूब नहीं होगा कल हम मिलेंगे कहां पर नीट की जंग सीजन टू में जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है तीन क्लासेस होंगी बेटा मॉक टेस्ट में हां जी मिस पौरुषी बोल रही है ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दो बेटा आप स्टार्ट का वेट क्यों कर रहे हो क्यों वेट कर रहे हो क्यों नहीं गए लिंक ट्री पे जाओ ना लिंक ट्री पे सब पढ़ा है खोलो लिंक टी आर डॉट डबल स्लैश सीप डॉट पाउजा खोलो यस ओपन इट ओपन इट गो टू क्लास 11th लिंक ट्री ये पढ़ी बेटा ह्यूमन फिजियो कितनी करोगे बताओ कितनी करोगे इतना टाइम नहीं है डिटेल करने का तो जाओ बेटा क्रैश कोर्स में से कर लो ये लो क्रैश कोर्स में जाओ क्रैश कोर्स में बेटा सारी वन शॉट में कराई हुई है बेटा इंतजार मत करिए ये मत सोचिए कि मैं ह्यूमन फिजियो पता क्यों नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैम नहीं करा रही है. बेटा मैम ने सब कराया हुआ है अगर मैम अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा रही है आप ह्यूमन फिजियो की इंतजार मत करो यूज़ करो बेटा लिंक ट्री को गो गो देयर एंड वर्क ऑन इट ठीक है वेट नहीं करनी है कर लेना अब समय नहीं है बेटा वेट करने का जो चल रहा है उस पे अगर फोकस नहीं हो पा रहा है कुछ और करना है तो आप लिंक ट्री से जाके कर सकते हैं कुछ भी और करना है तो जाके कर सकते हो ओके <laughs> okay. यस yes, एक बारी बेटा सेशन को लाइक करके बता दो क्या आज वाला पोर्शन समझ आया सब बच्चों को यस कम मी डिड यू अंडरस्टुड टूडे पोर्शन और नॉट बेटा दो ही लेक्चर में कंप्लीट करा दिया था ना ज्योति सेल डिवीजन, दो ही लेक्चर का था छोटा सा तो चैप्टर है तो दो ही रहेंगे ना है ना ज्योति पूरा देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ चैप्टर पूरा हो चुका है बेटा खोलना भी होता है गिनने नहीं है कि लेक्चर कितने दो लेक्चर का ही था वो दो लेक्चर में हो चुका है ठीक है जी थी? पूरा देखिए हाँ जी सिलेबस फॉर टेस्ट बेटा गिव मी सजेशंस इन द चैट बॉक्स बाकी मेरे ख्याल से पहला जो मैं नीट की जंग वाला ये वाला मॉक टेस्ट है मैं फुल सिलेबस ही लूंगी बाकी अगर आपके कोई और आइडियाज हैं कुछ और सिलेबस रखना चाहते हो तो आप मुझे इसके चैट बॉक्स में बता देना लेकिन क्लास में बेटा एनरोल कर लो ठीक है क्लास में क्या कर लीजिए एनरोल कर लीजिए आज हमने क्या किया है एक बार जो बच्चे बहुत लेट हो गए उनको मैं बता दू उनको कितना ज्यादा मिस हो गया पहले तो यार हमने इसमें एनरोल किया नीट की जंग में कल बेटा तीन क्लासेस होंगे यूट्यूब नहीं होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अगला हिस्सा परसों होगा दूसरा पहले बेटा हमने सिस्टम्स किए किंगडम फोर किंग ने कैसे डिवाइड इसकी डिसएडवांटेजेस देखी देन हम आ गए बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम पे फाइव किंगडम में हमने देखा कि कैसे बेटा बिटाकर ने इस तरीके से डिवाइड किया Then हमने कुछ questions किया on the basis of the table. Table आपको याद रखना. कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीआरटी हमने डिस्कस की जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है देन हमने सिक्स किंगडम सिस्टम यानी कि थ्री डोमेन सिस्टम भी किया फिर बेटा हमने मोनरा के बारे में कुछ बेसिक फीचर्स किए जो हम पहले भी करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया किया स्ट्रक्चर ऑफ मोनरा किया देन बेटा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया किया फोटोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक टाइप्स किए फोटोसिंथेटिक वो क्यों है पिगमेंट्स कौन से हैं उसमें और उसके एग्जांपल्स क्या हैं ये सारी चीजें बेटा हमने डिस्कस की देन हमने बैक्टीरिया को दो क्लासेस में डिवाइड किया आरके एंड यू आरके में तीन चीजें आती है मिथेनोजनोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स यू बैक्टीरिया में बेटा साइनो बैक्टेरिया माइको जो हम करेंगे परसों की क्लास में परसों की क्लास में, में प्रोटिस्टा भी खत्म कर देंगे यस yes? तो यार जिन बच्चों को क्लियर हो चुका है बेटा अब हम मिलेंगे नीट की जंग में सेशन में कर लेना एनरोल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यार तुमको बतानी थी मुझे लेट मी जस्ट शो यू जस्ट दिखा दो हाँ जी बेटा मेरा मेरा नया बैच आ चुका है नए बैच का नाम है ऑल स्टार बैच आप इस ऑल स्टार बैच में एनरोल कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल आपको करना चाहिए इस ऑल स्टार बैच में बेटा आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं और अभी बेटा अन अकेडमी पे चल रहा है अन अकेडमी पे चल रहा है बेटा 52 परसेंट ऑफ कितना ऑफ चल रहा है बच्चों 52 परसेंट ऑफ चल रहा है ये देख लो यस प्लीज हैव अ लुक 52% ऑफ इज गोइंग ऑन जिसका कल लास्ट डे है लास्ट डे बेटा ऑफ 52% ऑफ मैं आपको बता दूं लास्ट डे बेटा चल रहा है आप इसको ले सकते हैं सीप लाइफ कोड से ठीक है इससे आपको मेरी गाइडेंस भी साथ में मिल जाएगी जैसे कि बेटा नीट ट्वेंटी की बात करें तो प्लस का सब्सक्रिप्शन छह महीने का जिसमें आपको 8700 की सेविंग हो रही है अब ये बेटा है आपको 13499 का अगर आप सिक्स मंथ्स का आइकॉनिक लेते हो तो बहुत ही अच्छा है इक्कीस हजार पांच सौ निन्यानवे रुपए का ठीक है तो ये बेटा आपके प्राइसेस हैं बेस्ट बेटा 2023 के लिए इस समय सिक्स मंथ्स है और अगर बेटा 2024 वाला बच्चा है 2024 वाला बेटा इस समय कम से कम से 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले जो कि ह्यूज ऑफ 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 पे है 24, का है 43 है बेटा बेटा तो का 43 और आइकॉनिक लेते हो तो फोर्टी वन थाउजेंड रुपीज का बेटा आपको ऑफ मिल रहा है ठीक है तो ये सारी सब्सक्रिप्शन बेटा अभी मिल रही है तुम्हें फिफ्टी ऑफ सिर्फ एक दिन और बचाए तो यार ले लो इसका वेट मत करो कि यार ऑफर चला जाएगा फिर ये दस परसेंट हो जाएगा सिर्फ कितना हो टेन परसेंट हो जाएगा तो सब्सक्रिप्शन का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में नया बैच बेटा ऑलरेडी आ चुका है ठीक है नए बैच में तुम देख रहे हो चालू हो चुके मेरी रोज क्लास होती है बेटा चार बजे फोर पी अब अगली क्लास में मैं उन्हीं से मिलने वाली हूँ तो यार ये मैम का नाम है ठीक है मेरे साथ जुड़ सकते हो और ये सब्सक्रिप्शन बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का है

बट कोई बात नहीं जिसकी मिस हो गई है, भी उनके लिए होती है मैं आप, अगर तो मैं दोबारा भी उसको रिवाइज करा दूंगी ठीक है मैम को बता देना भेज देना ठीक है आई एड यू एंड आई मेक श्योर आप नीट 2023 में हर तरीके से सेफ रहे आई विल कीप यू गाइडेड थ्रू आउट योर होल जर्नी ठीक है चलिए थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं अब अगली कक्षा में तब तक रिवाइज करो इसको काफी सारी चीजें रिवाइज करने वाली और मिलते हैं नीट की जंग में एनरोल कर लेना ठीक है एनरोलमेंट जरूरी है तीन क्लासेस करूंगी और वो सब चीजें आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगी ये पीडीएफ भी आपको वहीं शेयर करने वाली हूँ ठीक है थैंक यू सो मच गाइस